हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों प्लेन मिरर क्या होता है? जो बिल्कुल फ्लैट हो, सीधा हो। और मिरर्स क्या होता है? मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आज हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा होता है, ठीक है। और कोई भी अगर हम मिरर की बात करेंगे तो मिरर के दो सरफेस रहते हैं, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा सरफेस पॉलिश्ड होता है। तो ये जैसे पास मेरे पास एक मिरर है, इसका बैक साइड आप देख रहे हैं ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश्ड है। और ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये पीछे से पॉलिश्ड है और आगे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम्स बनाया है वो हमने प्लेन मिरर का बनाया, ठीक है। अभी हमने ये एक लाइन मारी है और इस लाइन के पीछे छोटी छोटी तिरछी लाइंस मारी है, ये क्या है? तो ये हमने खड़ी जो लाइन मारी है ये हमारे पास प्लेन मिरर है, जैसे मैं रख रहा हूं। और जो पीछे पॉलिश्ड है उसको हमने यहाँ पे लाइनों के कारण क्लियर किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लू कलर का एक एरो लिया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमको मिरर पे बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा पेन था इससे एक लाइट रे निकलेगी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी नॉर्मल के, ठीक है। जब ये बिल्कुल सीधी जाएगी तो ये सीधी जो है ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे कहां गई, वो उसी पाथ में वापस आएगी, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे जब हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और ये एक एंगल बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो यहां पे इंसिडेंट रे यहां पे टकराई और यहां से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और यहां पर आप देखेंगे जब हमने नॉर्मल ड्रा किया तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का हमारे पास यहां पर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहां पर बन रहे हैं। लेकिन अब हमें यहां पर क्या करना है, इमेज बनानी है। अब इमेज बनाने के लिए मैंने आपसे कहा कि हमें कितनी लाइट रे चाहिए, दो लाइट रे चाहिए, कम से कम दो लाइट रे होना चाहिए जो हमें इमेज बनाए। लेकिन इमेज कहां बनेगी, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या करेंगी, मिट करेंगी। वेरी गुड, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिट करेंगी। लेकिन यहां पे देखिए आप, एक इंसिडेंट रे हमने यहां पे स्ट्राइक करवाया था वो इसी पाथ से वापस आ गई, दूसरी इंसिडेंट रे हमने यहां पे स्ट्राइक रहा है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये मिलेंगी कहां, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस प्लेन का जो हमारा सिल्वर सरफेस है इसके बैक साइड में मिट करती है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको हमने यहां से पीछे की तरफ खींच लिया और यहां वाली को भी पीछे की तरफ खींच लिया। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हमने यहां पे खींचने के बाद एक पॉइंट पे मिट कराया, जिस पॉइंट पे ये मिट होंगी और उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे पास इस मिरर के पीछे तो पॉलिश है, यहां पे कैसे इमेज बन सकती है। इसलिए हम कहते हैं ये इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारी, हमने दोनों रिफ्लेक्टिव रेज को खींच के हमने इनको पीछे यहां पर मिट करवाया। मान लीजिए अगर मैं यहां पे कोई स्क्रीन रखता हूं उसकी यहां पे इमेज नहीं बनेगी। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे अपटेन नहीं हम कर सकते, जो स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो अगर मैं इस मिरर को यहां पे रख रहा हूं और हमारी लाइट रेज इसके ऊपर टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहां हम इमेजिन करते हैं ये लाइट रेज पीछे की तरफ यहां पर आके मिट करेंगे और यहां इमेज बनेगी। और ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इरेक्ट इमेज कौन सी होगी, जो बिल्कुल सीधी इमेज होती है। कौन सी, सीधी इमेज होती है। अब यहां पर हमारे पास कुछ इसमें करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स, करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि जो प्लेन मिरर है ये कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई वो इमेज, वर्चुअल इमेज वो इमेज जो ख्याली इमेज है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती लेकिन इरेक्ट होती, सीधी। जैसे अगर आप मिरर के पास जाएंगे, आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो मिरर में भी क्या नजर आएंगे, सीधा नजर आएंगे, ठीक है। और यहां पर दो चीजें याद रखनी है, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरा इसमें हमारे पास आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि अगर आप प्लेन मिरर के पास आप खड़े हुए हैं और आपका डिस्टेंस प्लेन मिरर से एक मीटर का है और आपकी इमेज भी मिरर के अंदर एक मीटर पीछे आएगी। अगर आप मिरर से पीछे जा रहे हो तो आपकी इमेज भी पीछे जाती रहेगी, आप मिरर के पास आते जाएंगे आपकी इमेज मिरर के पास आती रहेगी। तो ये एक प्लेन मिरर की खासियत है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज भी मिरर के अंदर दूर जाती है, और अगर आप मिरर के पास आएंगे इमेज भी आपके पास आएगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बात की कि अगर मेरे पास ये पेन है जिस साइज का है, अगर मैं मिरर के सामने रखता हूं तो वहां भी उतना ही साइज हमें उसमें नजर
आएगा, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर आता है इसमें लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। देखिए लेटरल इन्वर्जन हमारे पास क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब हो गया कि जैसे मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो गया, मेरा आप अभी गौर करेंगे आज जाके, जब आप घर में आज जाके अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे मिरर में लेफ्ट उठेगा, आपकी यहां राइट साइड वहां लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, लेटरल इन्वर्जन। आप अपनी कॉपी पे एक चीज लिखेंगे या किसी पेज पे आप अपना नाम लिख के उस मिरर के सामने रखेंगे, वहां उल्टा नजर आएगा। तो यहां पे मैंने रेड लिखा है, ऐसा रेड वहां ऐसे नजर आता है। बात समझ में आ रही। आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस होती है जिनमें मरीजों को लेकर जाती है, उस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। गौर किया कभी किसी बच्चे ने, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। और जब वो एम्बुलेंस हमारी गाड़ी के पीछे आ रही होती है और हम अपनी गाड़ी के साइड, जो साइड रियर मिरर है, जो हमारा मिरर लगा होता है, ठीक है, कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, जब वो गाड़ी हम उसको कन्वेक्स मिरर में देखते हैं, उसका उल्टा एम्बुलेंस हमारे इस मिरर में हमें कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। अगर हम एम्बुलेंस पे ही सीधा लिख दें तो वो यहां क्या नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है। इसलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है कि जब हम साइड वाले शीशे से देखें हमें क्या नजर आए, वो सीधा नजर आए। तो लेटरल इन्वर्जन, आप जब भी मिरर के सामने किसी भी लेटर्स को रखोगे तो वो वहां पे उल्टा नजर आएगा, ठीक है। और ये अभी तक हमने जितना पढ़ा कि जो प्लेन मिरर है, इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जो बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा होता है, और इस मिरर के भी दो सर्फेसिस हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, एक पॉलिश सर्फेस। तो प्लेन मिरर पे जब हमने इमेज बनाई तो हमने दो लाइट रे को लिया था, एक लाइट रे को हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली डाला था, ठीक है, अलॉन्ग द प्लेन, और दूसरे को हमने इस एंगल पे लिया, और ये दोनों लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हमने देखा कि रियल में ये मिट नहीं की। फिर हमने कहा कि इसको हम दोनों रिफ्लेक्टिव रेज को हमने क्या किया कि इस प्लेन मिरर के बैक साइड पे मिट करवाया है। इमेज कब बनती है, जब दोनों रिफ्लेक्टिव रे आपस में मिट करती है, तभी क्या होता है, इमेज बनती है। और कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं आ सकती। मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर इसके पीछे मैं कोई स्क्रीन रख दूं तो यहाँ पे उसका तस्वीर नहीं आएगी, पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि ये बात सच है कि प्लेन मिरर के पीछे जब सिल्वर कलर है तो वहां पे कोई इमेज बनने का चांस नहीं होता। लेकिन हम ख्याल करते, इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सीधी इमेज, ऐसे वाली सीधी इमेज बनेगी। अगर इमेज ऐसे बन जाए, ये अगर इमेज ऐसे बन जाए, ये कौन सी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज। ये हम बनाएंगे जब हम इससे आगे चलेंगे, किस मिरर के ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर, वहां हम देखेंगे कौन सी इमेज बनती है। तो कनकेव मिरर में जो है वो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है। यहां वर्चुअल बनी थी, वहां क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है।